रंग बिरंगी और इसे दिलचस्प बनाते हैं रंग बिरंगे लोग। ऐसे लोग जिनके शौक हैं बड़े निराले। कोई शख्स किसी खास नंबर का दीवाना है तो किसी जनाब पर कुछ और ही करने का बुखार सवार है, तभी तो शायद ये कहते हैं मैं ऐसा ही क्यों हूँ। ये जनाब एक बैंक के मैनेजर हैं। शुरू में ये बैंक में खूब नोट गिना करते थे। नोट की गिनती करते करते इन्हें एक खास नंबर से हो गया इश्क। उस नंबर से प्यार में इस तरह गिरफ्तार हुए कि बस कभी छूटे ही नहीं। तो आखिर क्या है 786 का राज? इन नोटों को देखिए, क्या आपको इन नोटों में कोई खास बात नजर आती है? आप कहेंगे ये भी दूसरे नोटों की तरह ही तो है, भला इनमें क्या खास बात हो सकती है? लेकिन अब जरा गौर से देखिए, ये मामूली नोट नहीं है। इन नोटों पर छपा है खास नंबर। ढेर सारे अंकों के आखिर के इन तीन अंकों में शामिल है 786। जी हाँ, यही है वो खास नंबर जिससे गहरा लगाव है चंडीगढ़ के नरिंदर पाल सिंह को। नरिंदर के पास ऐसे 7 लाख से भी ज्यादा नोट है जिन पर 786 चस्पा है। लेकिन यह कोई लंबा चौड़ा कलेक्शन एक दो महीनों में नहीं हुआ। नरिंदर इसके लिए पिछले 7 सालों से मशक्कत कर रहे हैं। मैं मैनेजर हूं और मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से हेड ऑफिस में हूं। पहले मैंने ब्रांचों में काम किया है काफी। अपनी हमारे चंडीगढ़ में 22 ब्रांचें हैं, उनमें काम किया, वहां से मिलते रहते हैं। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहे नरिंदर अपने इस अजीबोगरीब शौक के पीछे एक दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। उनका कहना है कि दोस्त यार उनसे इस खास नंबर की अक्सर फरमाइश करते थे। बैंक में होने की वजह से नरिंदर के लिए इस अंक के नोट जुटाना मुश्किल बात नहीं थी, पर जब बहुत से लोग फरमाइश के बावजूद नोट लेने नहीं आए तो नरिंदर के पास ऐसे ढेरों नोट इकट्ठे हो गए जिनके आखिर में छपा था 786। ये शौक मुझे 1990 से पहले का हुआ है और ये मैं बैंक में सर्विस करता हूँ तो बैंक में काफ़ी लोग मेरे से आते थे 786 के, मुसलमान भी दूसरे भी, और मांगने आते थे और मैं उनके लिए इकट्ठे करता था। तो एक बार ऐसे हुआ भी मैं इकट्ठे करता रहा, वो लेने नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने पास इकट्ठे करने शुरू कर दिए और ये ऐसे मुझे शौक है। नरिंदर खुद एक बैंक अधिकारी हैं, पर इन नोटों को जुटाने के शौक के चलते उनका अपना खुद ही एक बैंक तैयार हो गया है। आज इनके लॉकर में 7 लाख रुपए से भी ज्यादा के ऐसे नोट हैं जिनके अंत में 786 नंबर आता है। अपनी तरह के इस कलेक्शन के लिए नरिंदर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान पा चुके हैं। मेरे पास तकरीबन 7,35,000 के तकरीबन हो गए और नंबर ऑफ नोट जो हैं वो 13,335 के करीब हैं। कोई भी नोट इकट्ठा करते हैं बड़े नोट को? एक से लेकर 1,000 तक सभी नोट मेरे पास हैं। तो ये मतलब क्या है, एक शौक सब कहेंगे इसे आप? शौक भी है, मतलब उसके बाद मेरा लिम्का बुक में नाम आ रहा है, 2001 से लगातार आ रहा है नाम मेरा। 2008 में भी मैंने भेजा है नाम, वो भी आएगा भी। पर नरिंदर अपने कलेक्शन का श्रेय खुद अकेले नहीं लेना चाहते। उनका मानना है कि इसमें उनके परिवार का बड़ा हाथ है। मैं भी खुश हूँ, इन्होंने करने नोट इकट्ठे तो मैं पूरा साथ दे देती हूँ, कहीं से भी मिल जाते हैं। कल गई थी मैं पैसे लेके तो नोट मेरे को मिले नहीं है। न्यूज़पेपर में नाम आते हैं अपने कॉलेजेस स्कूल्स में बताते थे तो बहुत अच्छा लगता था। इवन टीचर्स वगैरह से बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता। किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं? यही कि डैड का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, हर जगह आ रहा है और पंजाबी चैनल्स में आ रहा है, तो इसलिए अच्छा लगता है। दीदी गुरप्रीत और बेटी गुरनील की सलाह पर नरिंदर ने अब इन भारतीय पाकिस्तानी और नेपाली नोटों का भी कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ से अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट। नरेंद्र पाल सिंह से हम मिलेंगे और खूब बातें भी करेंगे, लेकिन पहले हम मिलने एक और अनोखे जनाब से। पहले आप इनके हैरत अंगेज कारनामे देखिए। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये कर रहे हैं स्किपिंग, इतनी तेजी से कर रहे हैं स्किपिंग रोप भी नहीं दिख रहा। ये जनाब है रणजीत पाल सिंह। रंजीत ये तो बॉडी बिल्डर है लेकिन उन्होंने स्किपिंग का खास शौक पाल रखा है। सुबह शुरू होते ही रंजीत पहुंच जाते हैं अपने जिम में, पहले करते हैं जमकर कसरत और फिर शुरू होती है स्किपिंग की प्रैक्टिस। जब आप जानेंगे कि एक मिनट में ये कितनी बार करते हैं स्किपिंग तो हैरान हो जाएंगे।
एक मिनट में रंजीत 240 तक स्किपिंग करते हैं। इस कारनामे के कारण रंजीत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। आप एक बार फिर देखिए इनको और इनके हैरत अंगेज कारनामे को। अपने को फिट रखने के लिए काफी कुछ करते हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, बहुत ही ज्यादा वक्त गुजारते हैं जिम में पूरी तरह से फिट रहने के लिए। चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हों या फिर वेट्स, फिट रहने की पूरी कोशिश के साथ साथ एक शानदार रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। अजब गजब के शौकीन नरेंद्र पाल सिंह चंडीगढ़ से और रंजीत पाल सिंह लुधियाना से हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, पहले आपसे बात करते हैं, आप बताइए कैसे आपको शौक हुआ 786 का? नरेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी। कैसे आपको शौक हुआ, कैसे आपको प्रेम हुआ 786 नंबर से? 786 मुसलमानों के धार्मिक नंबर है ये जी, और इसका शौक मुझे बैंक से, मुझे मेरे से नोट मांगने काफी लोग आते थे, तो उसके बाद मैंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब इतने नोट मैंने इकट्ठे कर लिए हैं कि मेरा लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम आ रहा है, और मैं चाहता हूँ मेरा नाम गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आए। तो नोटों को कैसे जमा किया आपने? ये एक एक नोट करके मैंने जमा किए हैं, कभी एक मिल जाता है, कभी दो मिल जाते हैं, काफी जगह से मैंने जमा करता रहता हूँ। महीने में कभी 10 नोट मिल जाते हैं, कभी 100 नोट भी मिल जाते हैं, एक महीने में नोट इकट्ठे हो जाते हैं मेरे से। तो आपका क्या मकसद, सिर्फ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद गिनीज बुक में आना है, या फिर इस नंबर से आपको कुछ सुकून भी मिलता है, कुछ मदद भी मिलती है, आपका कुछ फायदा भी हुआ है? फायदा तो ये हुआ है, मेरे पास इतना अमाउंट पैसा इकट्ठा हो गया है, ऐसे जो चाहता तो मैं, मेरे पास नहीं हो सकता था इतनी ज्यादा रकम। चलिए, कम से कम बहुत ही शानदार बचत की तो आदत आपकी जरूर हो गई है और आप रिकॉर्ड होल्डर भी हो गए हैं। अब हम बात करते हैं रंजीत पाल सिंह से, लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। 240 बार एक मिनट में, रंजीत जी कैसे कर लेते हैं इतनी फास्ट स्किपिंग आप? हेलो जी रंजीत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, बताइए आपने कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाया, कितनी कैसे आपने मेहनत करके इतनी शानदार आपने स्किपिंग आप कर लेते हैं 240 बार एक मिनट में, सुनते ही वाकई में यकीन नहीं आता। हाँ, वैसे तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मिस्टर पंजाब हूँ जी, और सबसे पहले मैडम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रंजीत पाल है, सिंह नहीं है, रंजीत पाल ओनली जी, ठीक है, माफ कीजिएगा। मैं मिस्टर पंजाब हूँ, हाँ जी मिस्टर पंजाब हूँ बॉडी बिल्डिंग में, 1988 का, और उसके बाद 93 तक मैं नॉर्थ इंडिया चैंपियन रहा बॉडी बिल्डिंग में, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग तो मैंने छोड़ दी, एक्सरसाइज करता रहा फिटनेस के लिए, और फिटनेस में एक्सरसाइज शौकिया तौर पर करता था रोप स्किपिंग, और शौक शौक में जो मैंने रिकॉर्ड बना दिया, और पहले 2005 में मेरा नाम लिम्का रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ, और उसके बाद मुझे गिनीज वालों का लेटर मिला और उन्होंने बोला कि आप जो स्किपिंग करते हैं उसको एक मिनट तक करें, एक मिनट का जो रिकॉर्ड होगा हम आपको टारगेट देंगे, हमारे पास रिकॉर्ड तो कोई भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया 210 का, तो मैंने 225 बार किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे 234 का टारगेट दिया, उसको मैंने बीट करके 240 किया, वो मेरा नाम लिम्का रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और अब गिनीज का रिकॉर्ड जो 234 है मेरा 240 है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है, और अभी गिनीज वालों ने मेरे नाम पर रिकॉर्ड नहीं किया जी, और लेकिन फिलहाल फिर दोबारा जी जी, फिलहाल आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है जो इंडिया बुक है, आप चाह रहे हैं कि इस ये आपका गिनीज में भी नाम आए? जी हाँ जी, और गिनीज का मुझे एग्रीमेंट मिल चुका है जी,
उन्होंने अपने एग्रीमेंट दिया उन्होंने कि आप हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आप 240 को बीट करें और मेरा ही रिकॉर्ड मेरे से बीट करवाना चाहते हैं वो, और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होती होगी रंजीत, उसके बारे में बताएं कि कितनी मशक्कत इसमें लगती है। स्किपिंग तो एक मिनट करनी पड़ती है, मगर इसके लिए जो तैयारी है वो 12 महीने की होनी चाहिए और 12 महीने मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें फिटनेस एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग की सभी, कार्डियो एक्सरसाइज और स्किपिंग की एक्सरसाइज सारी करनी पड़ती है। तो क्या ये आपका शौक ही था जो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि आपने वाकई में सोच करके आपको रिकॉर्ड बनाना है, इस दिशा में कदम बढ़ाया? हाँ, पहले तो मैं शौकिया तौर पे करता था और 2003 के बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैं इसके में कोई मील पत्थर जरूर बनाऊं, और लिम्का रिकॉर्ड बुक से मेरी बात हुई तो वहाँ पर एडिटर विजय घोष जी, मिसेस विजय घोष, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना शो करके हमको बताएं, और मैंने अपना वो शो किया और लिम्का रिकॉर्ड बुक को भेजा तो उन्होंने मेरा नाम 2005 में पहले किया, और उसके बाद जो 240 का मैंने किया अभी 2006 में, 25 जुलाई 2006 को मैंने किया था, वो भी मेरा नाम लिम्का रिकॉर्ड बुक में 2007 की बुक में दर्ज है। जी रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और नरेंद्र पाल जी आप दोनों का, वाकई में कमाल के आप दोनों के शौक हैं और आप डिजर्व भी करते हैं, जो रिकॉर्ड होल्डर्स आप दोनों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने अनुभव बांटने का। हमें भी लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।